हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने टाइटल देख के मालूम चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो हाँ, मैं एक नई बाइक लेने का सोच रहा हूँ, ड्यूक 200, ड्यूक 250, दोनों में से एक, या R15 वर्जन 3 नॉन ABS, या R15 वर्जन 3 ABS विथ ब्लैक कलर, फुल ब्लैक, या न्यू मॉडल CBR 150R। मेरे पास अभी ऑलरेडी CBR 150R है, 2014 का मॉडल है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अब मेरे को नया बाइक लेना है मोटो व्लॉगिंग के लिए। अपग्रेड करना बनता है ना यार, अपग्रेड करना बनता है। तो अभी मैं वो सोच रहा हूँ, ड्यूक 250, ड्यूक 200 पावर पिकअप में नो डाउट एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है, टॉप स्पीड भी ज़्यादा है और R15 CBR से। लेकिन लुक 200 का है ड्यूक का, वो थोड़ा पुराना हो गया, 250 का अच्छा है। और R15 का लुक टोटली स्पोर्ट्स बाइक, और पूरा LED हेडलाइट और सब चेंज है, पूरा नया है। और जो न्यू CBR 150R आने वाली है, उसका भी लुक बहुत अच्छा है, मैंने नेट पे देखा, अभी आई नहीं है, लॉन्च नहीं हुई है इंडिया में ही, लेकिन शायद तक हो सकती है। उसका भी लुक R15 जैसा ही है, आगे से हेडलाइट दी हुई है LED, और पीछे पूरा चेंजेस किया हुआ है, सीट में थोड़ा बढ़ा दिया है, और सब कुछ चेंज है CBR में, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट है कि आए ना आए, लेकिन जब आए वो लूँ या R15 लूँ अभी। तो ड्यूक 250 है जो, उसका पावर पिकअप तो एकदम फर्स्ट क्लास है, और ब्रेकिंग में भी KTM को कोई नहीं पहुँच सकता, मेरे फ्रेंड के पास ही KTM है, मैंने बहुत बार चलाई है, ब्रेकिंग एकदम फर्स्ट क्लास मक्खन, लेकिन प्राइस में ओवर है, और मेंटेनेंस उसका नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने बजट में नहीं आता मेंटेनेंस, इतना बजट नहीं है अपने जो KTM के मेंटेनेंस। फिर भी ये देख रहा हूँ मैं लूँ या ना लूँ, उसके हिसाब से R15 का इतना मेंटेनेंस नहीं है, एवरेज अच्छा होगा, टॉप स्पीड भी अच्छी है उसकी 150 के एवरेज सब में, और ड्यूक 125 भी निकली है, लेकिन वो 125 नहीं लेना, बहुत कम सीसी हो गया है अपना से, ये तो नीचे लो बजट हो गया, उससे अच्छा R15 लेने का मैं सोच रहा हूँ। और इन सब बाइक के अलावा RC में और सोच रहा हूँ KTM, तो मतलब ना KTM की कोई एक कंपनी, और यामाहा और होंडा, इन तीन कंपनी में से मैं कोई एक सोच रहा हूँ। अभी तीनों में से ब्रेकिंग और टॉप स्पीड और पिकअप में और ये सब में KTM जीत जाती है, सेकंड पे यामाहा, उसके बाद होंडा आता है। होंडा का पिकअप पावर अच्छा है, लेकिन होंडा यामाहा से नहीं पो CBR नहीं टक्कर नहीं दे पाती R15 वर्जन 3 को, 2 को दे गई थी, 3 को नहीं दे पाती। और लुक में भी CBR अब ओल्ड हो गया है, न्यू तो आया नहीं है, 150 250 के निकला है, वो वैसा ही है, सिर्फ LED कर दी हेडलाइट, बाकी पूरा लुक वही है, ग्राफिक चेंज है बस 250 का, और 250 तो हमको लेनी नहीं है पहले से। तो अभी और प्राइस के मामले में यामाहा बेस्ट, एवरेज में अच्छी गाड़ी, ड्यूक KTM RC 2 लाख के ऊपर की गाड़ी है, थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है उसका भी। और CBR के तो छोड़ो ना, बात ही छोड़ दो, अभी निकली नहीं है तो क्या बोले, उसका प्राइस भी इतना ही होगा R15 जितना ही। ABS का प्राइस अराउंड यहाँ पे गांधीधाम में 1.63 लाख से, नॉन ABS 1.51 लाख। तो अभी मैं वो सोच रहा हूँ, अभी लॉन्च नहीं हुआ ABS, फेब में लास्ट में लॉन्च होने वाला है ABS R15, वो सोच रहा हूँ लेने की। और अपना माइलेज में R15 जीत जाता है KTM से, KTM का माइलेज भी इतना नहीं है, मेंटेनेंस में R15 जीत जाता है। फिर भी लुक जो KTM का है ना, वो किसी का नहीं है, दिल ला गया अपना KTM पे, लेकिन प्राइस में माइलेज में मार देती है, इसलिए नहीं ले पाते हैं। फिर भी आप मेरे को कमेंट में एक बार बताना कि कौन सी कंपनी अच्छी है, या KTM, यामाहा, होंडा, या वापस CBR 150 ओल्ड मॉडल लूँ, अगर नया आ रहा है तब लूँ बाइक, या अभी लूँ तो KTM लूँ या यामाहा लूँ, वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को R15 भी अच्छा लगता है, लेकिन जो KTM जब निकला था ना, तब से वो मेरा प्यार है, लेकिन प्राइस में वो तब से इतना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मेरे को इतना ही बताना था आपको कि मैं कौन सी बाइक लूँ, मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज्ड हूँ, और मेरे को एक दो महीने मतलब मार्च में ही लेनी है बाइक,
मार्च में ही, तब तक होंडा कुछ करता है तो ठीक है, वरना तो यामा ने कर ही दिया है और KTM तो है ही पहले से। इन दोनों में से मेरे को कुछ बताना, कन्फ्यूज़न मेरा दूर करना कमेंट में, कौन सी बाइक अच्छी है कौन सी नहीं है। बस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैंने अपना एक्सपीरियंस तो वो शेयर किया है आपके साथ। अब आप बताइए क्या है क्या नहीं है, आपको डिसलाइक करना डिसलाइक कीजिए, लाइक करना तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी 118 हो गए हैं सब्सक्राइबर, वो अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत बढ़िया बात है। धीरे धीरे व्यू भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और शेयर करना और लाइक वो मत भूलना प्लीज़, सब्सक्राइब भी मत भूलना। अब अगर अच्छा नहीं लगा तो आपकी मर्ज़ी है, आप डिसलाइक करो लाइक करो, बाय।